बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करना तुसी सब खैर करदे होवोगे। वीवर्स अज माशाल्लाह खुशी भी बहुत ज़्यादा सी जिहड़ी तुहाडे नाल इज़हार करना सी, लेकिन उहदे नाल नाल एक सानू बहुत वड्डा जिहड़ा ना गम भी मिलिया। ते जिहड़ी मेरी खुशी सी ना उह गम च तब्दील हो गई। ते मैनू इन्ना अफसोस है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा रोज़ा इफ्तारी करन लग्या वी दिल जिहड़ा सी बहुत परेशान सी। तुसीं जाणदे हो जिहड़ा कल अपने वाकया होया कि जहाज़ साडा जिहड़ा कराची जिहड़ा वह आबादी च गिर के तबाह होया। ते दोस्तो इस रमज़ान के महीने च मैं तुहाडे कोलों इल्तिजा करना चाहुंदा सी कि वह साडे मुसलमान भरा ने ते हर बंदा अपनी खुशी लिए गामजन सी। मसलन ठीक है, कोई मेहमाना दे आन दा इंतज़ार कर रहा सी, कोई मेहमान जा रहा सी, कोई अपने घर जा रहा सी। ते कहंदे ने कि एक दो मिंट या तीह सैकंड या एक मिनट का फर्क रह गया सी अपने लैंडिंग करन च, तो जहाज़ च खराबी पै गई। ते इस गल तो एक तो वैसे साबित हुंदा जी कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहे वो कर सकता। तो मैं वैसे यह सोच के बहुत परेशान होना कि बंदे नूं अचानक मौत आ जाए ना, तो चलो जी आ गई है कोई गल नहीं, मैं पता नहीं। लेकिन जो मैं जहाज एक मिसाल बैठा या किसी ऐसी चीज़ बैठा और मैनूं पता कि मैं हुण मर जाना, मैं बचना नहीं, तो वो सब तो जिहड़ा ना मेरा ख्याल है कि दर्दनाक वाकया हुंदा। वो मर मर के बंदा मरदा। मैं इत्थे घर बैठ के मैं सोचना कि यार जिहड़े उस टाइम मेरे छोटे बच्चियां बजा भैन भरा माँ प्यो दे बजा मिसाल भरावां दे बजा जिहड़े भैणां दे बजा जिहड़े विच बैठे दे होणगे, वो जदों उहनां नूं पता हैगा कि जहाज़ खराब हो गया, जहाज़ डावांडोल होण डिया, उहनां दी की बनदी होवेगी। वो तो एक एक लम्हे च मरदे होणगे ना। ते दूसरा मैनूं पता लग्गा कि साडे पिंड लागे मंजूरपुरा प्लाट आ, मेरे पिंड तों 2.5 किलोमीटर दूर है, उत्थों दे भैण भरा असी दो। तो साड़ी सिस्टर का नाँ सी ताहिरा, तो साड़े भाई का नाँ सी साग। तो वो भाई जड़े ने वो अपने वफात पा गए ने, तो जिहड़ी सिस्टर साड़ी है ताहिरा वो अपने जख्मी हालत हस्पताल कराची के हस्पताल च दाखिल है इस टाइम। तो अपने सारे व्यूअर्स अगे मैं दरखास्त करना कि हर लम्हा ही वैसे तो अल्लाह ताला की इबादत करने वास्ते दुआ मंगने वास्ते इंपोर्टेंट है, लेकिन अज इफ्तारी वास्ते इफ्तारी के टाइम तमाम दोस्तों तमाम अपने सब्सक्राइबर अपने व्यूअर्स अपने यूट्यूबर अगर दुआ करना कि यार खसूसी तौर पर कहते हैं कि इफ्तार तो पहले जी दुआ मंगी जाए वो कबूल हो के रही है। तो इफ्तारी के टाइम लाजमी दुआ करो तमाम मुसलमानों वास्ते जोड़े उस जहाज बैठे दे ही जोड़े उस आबादी च ही जोड़े अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उन्होंने वास्ते उन्होंने मगफरत वास्ते उन्होंने जन्नत वास्ते दुआ मंगियो। तो साढ़े अपने ताहरा बहन लई जिहड़ी साड़ी भैन आ उहदी सेहत याबी लई दुआ करियो। ते सारे अपने जिहड़े साडे मुसलमान भरा वफात पाए ने शहीद होए ने उहनां दे अज़ीज़ो करब नूं अल्लाह ताला सबर जमील अता फरमाए। ठीक है जी। ते बाकी साग भाई ते वफात पा गए ने, ते आउंदी अल्लाह ताला भैन नूं या होर जिहड़े कोई जख्मी ने अल्लाह ताला उहनां नूं सेहत याब करे। ते बाकी लाजमी अज लाजमी मेरी दरखास्त है कि यार इनू भुलायो ना, ताड़ी मेहरबानी है, ये जरूर दुआ करे उन्हां वास्ते उन्हां दे हक वास्ते। ते दूसरा खुशी ते मैनू ये सी मेरी असल च खुशी जिहड़ी ना वो गम च जिहड़ी तब्दील हो गई। मैनू बड़ा मैं खुश खुश जिहड़ा ना अपने नारोल तो वापस आया सी कि मैं अपने व्यूअर्स नाल इंज करांगा इंज शेयर करांगा, लेकिन कसमें मेरा दिल ही जिहड़ा ना इंज आ कि जिस नहीं मेरा दिल ही नहीं मुतमिन होया कि मैं इस तरह गल करा, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मैं हाँ चलो अपने व्यूअर्स ने मेरे मेरी फैमिली आ मेरे भैन भरा ने मिसाल आ कि यार इन्हों की वजह नाल मैं है, तो चलो इन्हों दसना तो पैना, तो चलो मैं दस दिन। तो व्यूअर्स अगले दिन वीडियो मैं एक बनाई सी, तो वह तो मैं वैसे एक ट्रायल दिता सी किसी बंदे दे पैसे फड़ के ना तो दसिया सी, लेकिन अज ते भाई की हकीकत कल दी ताड़े भाई दी हकीकत च 22 तरीक दी जिहड़ी ना पहली यूट्यूब दी कमाई जिहड़ी ना वह अल्लाह ताला ने मैनू पहली तनखाह दी सूरत च मैनू दे दित्ती है। ते मैं
ਬੜਾ ਆਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਦਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਉਹ ਰਕਮ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨੂਰਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁੰਡੀ ਖੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਰੁਪਈਏ ਬਣੇ ਨੇ 6 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦਫਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਖਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰਾਮ ਨਾ ਥਾਏ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੇਸ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਉਜਰਤ ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਏ ਅੱਛੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
कई दोस्त है, मैं नहीं कहता कि किसी भी दोस्त अगर राय देनी हो ना मसलन कि उन्होंने नसीहत करनी हो गलत करता है तो उन्होंने दोस्तों चे पबलिक के सामने नहीं राय दी जाती ताकि दिल रजाई ना हो महसूस ना हो तनहाई समझाई तनहाई मैसेज करी मसलन के अलहदा दसीदा कि भाई यह मसला है इनू दूर करो यह मसला इनू सही करो। इस तरह ही एक मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स ने ते मैनू वो जानने वाले ने मैं शायद इन्ना नहीं उन्होंने जानता तो वो मेरे मैं अगे भी एक वीडियो जिक्र किया नाम लैना मेरी मजबूरी है वो मेरे जी कैसर भाई ने बहुत ही अच्छे कराची तो लम्हा ब लम्हा वो मैं गाइड करते हैं ना उन्होंने मेरे ना को मतलब ना उन्होंने मेरे ना को सरोकार सिर्फ उन्होंने चाहत है उन्होंने मुहब्बत है को मेरे ना मुहब्बत कर देना और सच्ची गल है वी बस मैं अज तक उन्होंने जानता भी नहीं मैं अज तक उन्होंने सूरत भी नहीं देखी रही है सिर्फ फोन से एक दो बारी गल हुई है या वट्सअप से होंगी रही है तो या अपने ना जी वो मेनू कमेंट्स करते हैं तो अगले दिन भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा गाइड किया मैं इंशाल्लाह तआला कोशिश करांगा इस तो बाद उन्होंने उम्मीदा तो पूरा उतरन का तो कैसर भाई नूं भाई सलूट करना मैं बहुत बहुत मेहरबानी कि भाई तुसीं बिना मतलब छोटे भरावां दी तरह मेरे सिर ते शफकत दा हाथ रख्या और मैनू लम्हा वाला लम्हा जिहड़ा ना गाइड कर दिओ इस तरह वाकई कोई नहीं करता सके भरा नहीं करते वैसे मेरे भरावां नूं ते यूट्यूब दे बारे च पता ही नहीं है तो बहरहाल है कि चलो फिर भी शुक्र है अल्लाह तआला दा करम है कि जिहड़ा मेरा वड्डा भरा है ना अगर मैं अज आवारा नहीं है अगर मैं कोई गलत काम नहीं करता तो ये उन्होंने जाता क्रैडिट कि उन्हें मेरी तरबियत की थी दिया उन्हें मैनू समझाया था उन्हें मैनू रोकया था कि मैं बुरी सोच च अजे तक नहीं बैठा ये मेरे वड्डे भरा की मुहब्बत है जहीर खान की शुक्रिया उन्होंने कि जी वो जिस ना मर्जी अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी सोनी फिरे तुरे लेकिन मैनू उन्होंने ना किसी बुरे बुरी सोच च नहीं बहन दिता मैनू उन्होंने बड़ा कंट्रोल च रख्या तो मैं अज बड़ा फख्र है बड़ी खुशी होंगी है कि वरना हो सकता मैं भी बिगड़िया हों ते बाकी दोस्तों अपनी राय का लाजमी इजहार कराया करो यार बड़ी खुशी होंगी है तो मैं इंशाल्लाह ताला अमल करने वाला बंदा है अमल करांगा तो तुसी जो मैं दसोगे नहीं कि तनवीर भाई इस तरह का ब्लॉग बनाओ फलाने पिंड की वीडियो बनाओ फलानी जगह की बनाओ तो सानू पसंद है असं वो चीज़ पसंद करने तो मैं तो फिर वही बनावगा ना कि इतों घरों निकलना क्या स्टार्ट ले लियाओ उतों अगों मसाल तो माइंड बंद ही बदलता जे कोई दस बंदे राय देन ना तो दसा बंद जो बंदा देख लगा अपना भी दिमाग काम करता कि यार किहड़े दोस्त अच्छा गाइड करते पे ने तो बंदा फिर वो काम करता तो बाकी दोस्तों मैं बड़ा खुश हाँ लेकिन अज जिहड़ा वाकया है ना कसमें मैनू ना मैनू गल धारणा करना चाहना कि कैसर भाई ने मैं स्पैशल कहा है कि यार तनवीर भाई थोड़ा जहा मुस्करा के गल करया करो मैं एक अपने व्यूअर्स नूं अज दसना कि मेरी तबीयत जी ना बड़ी सीरीयस किस्म का मैं बंदा मैं थोड़ी कितने के मजाक मजूक नहीं करता तो अपने टिकटॉक मैं आई डी बनाई सी तो वो भी मैं फेल हो गया सी क्योंकि कॉमेडी बंदे का काम आ सीरीयस बंदे का काम नहीं तो मैं कैसर भाई कह कि इंशाल्लाह ताला ईद तो बाद वीडियो च भी तुहानू चेंज नज़र आएगा मेरे च भी चेंज नज़र आएगा तो हूँ मैं जिहड़ा ना आखिरी बारी तुहाडे अगे दोस्तों अगे फिर इंतजार कहड़े साढ़े भरा शहीद होए ने जहाज़ या वो जो आबादी से यार उन्होंने लाजमी दुआ करो बहुत बहुत दुआ करो बड़ी मेहरबानी होएगी तो साढ़े साध भाई लिए उन्होंने अजीज़ो कारब लिए दुआ करो कि अल्लाह उन्होंने सबर दे ते ताहरा साड़ी जी भैन है जी जख्मी है कराची आसम अल्लाह ताला उन्होंने भी सेहत दे सेहत याब करें तो दोस्तों मैं तुहाडे कोलों ज़्यादा चाहना दुआ करना कि अल्लाह ताला तुहानू अपने हिफ्ज़ो मान च रखे तुहानू हर परेशानी तो दूर रखे अल्लाह ताला टेंशन मकाए जी आम जिंदगी छोटी छोटी टेंशन होंगे अल्लाह ताला इन्हों तो सानू जिहड़ा ना आज़ाद करे तो अल्लाह ताला हर बंदे नू खुशी खुशी ईद देखना नसीब करे लेकिन ईद मेरी अम्मी तो कह रही थी कि पुत ईद के कपड़े भी नवे जिहड़े ना नहीं पाने है कि नहीं दिल नहीं मानता जिहड़ा वाकया हो गया ना रमज़ान च यार कल ईद है ठीक है कल या परसों ईद है तो कैसा तो हिसाब लाओ कैसा नज़ारा होगा कि यार जो जहाज बंदा बैठा तो डावा डोल पता है कि मैं बचना नहीं तौबा अल्लाह ताला हर टाइम अल्लाह ताला को दुआ करा करो अल्लाह ताला इज्जत की मौत दी ईमान की हालत च मौत दी तो मैं भी अक्सर दुआ करना या अल्लाह इज्जत की ईमान च ईमान की हालत च मौत दी या अल्लाह फैमिली दे विच दी
क्योंकि मौत आनी है, आके रहनी है, बरहक है, इन्हों को टाल नहीं सकता। तो दोस्तों अपने तनवीर खान का आवश भाई इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।